आज मैं आपको इस प्रकार के दो स्विच वाले कूलर की वायरिंग को डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे दो स्विच है। एक स्विच से आप कूलर का जो फैन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरे स्विच से आप पंख और स्विंग को बंद चालू कर सकते हैं। तो इसको डायग्राम के साथ समझने के लिए सबसे पहले आप इसको खोलते हैं तो इसका जो पीछे वाला स्विच है वो आपको ऐसा दिखे देता है, एक पॉइंट पे L, दूसरे पे एक, तीसरे पे दो, चौथे पे तीन लिखा हुआ मिलता है, जो कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर मैंने सब कुछ बना लिया है। एक यहाँ पे हमारे पास मेन सप्लाई वायर है, एक हमारे पास स्विंग मोटर है, एक हमारे पास फैन की मेन मोटर जिसमें टोटल चार वायर है, और चार में से ब्लू वायर मेन वायर है, और जो बाकी तीन वायर है जो कि लाल सबसे लो स्पीड है, जो यहाँ पे सफ़ेद वायर है वो यहाँ पे मीडियम स्पीड है, और जो काला वायर है वो हाई स्पीड है। एक हमारे पास पंप है जो कि दो वायर है, और दो हमने यहाँ पे स्विच बनाए जिससे कि यहाँ पे हमारी जो मेन मोटर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो पंप और जो स्विंग है उसको भी बंद चालू करने के लिए यहाँ पे मैंने स्विच बना लिए। अब इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर जो लाल वायर है उसको लेना है, और एक वायर को आपको स्विंग मोटर का जो एक वायर है उसको यहाँ पे मिलाना है, एक हमारे पास जो मेन मोटर है उसका वायर यहाँ पे लगाना है, और जो एक हमारे पास पंप का जो वायर है उसको हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो स्विंग मोटर का जो एक वायर है उसको यहाँ पे लेके यहाँ पे जहाँ भी आपको जो दूसरा पॉइंट मिलता है उसके साथ और जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ आपको ऐसे मिला देना है, जिससे कि यहाँ पे ये दो पॉइंट पे चालू होता है। अब इसके बाद यहाँ पे पंप का जो एक वायर रहता है उसको आपको दूसरे पॉइंट के साथ और पहले पॉइंट के साथ उसको पंप को यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, जिससे कि आप एक पे केवल पंप को चालू कर सकते हैं और दूसरे पॉइंट पे पंप और स्विंग दोनों मोटर को एक साथ चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो एक स्विच रहता है जिसमें सबसे हाई लिखा है वहाँ पे आपको काला वायर, मतलब तीसरे पे काला, दूसरे पे सफ़ेद, और जो पहला लिखा है वहाँ पे आपको यहाँ पे रेड वायर लगाना है, जिससे कि आप मेन मोटर है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा इन स्विच से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सप्लाई का एक वायर रहता है जो कि काले कलर का है, उसको यहाँ पे एक यहाँ पे जो पहला स्विच जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे लगाना है, और जो दूसरा स्विच है जहाँ पे एल लिखा है उसी वायर को यहाँ पे आपको दूसरे स्विच के साथ भी ऐसे ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि अब क्या होगा कि जो पहला स्विच है जहाँ पे आप अपने पंप और स्विंग मोटर को चालू कर सकते हैं, आप एक स्विच से पंप को केवल चालू कर सकते हैं, दूसरे पे आप पंप और स्विंग मोटर दोनों को चालू कर सकते हैं, और तीसरे पे केवल स्विंग को चालू कर सकते हैं, और जो दूसरा स्विच है उससे आप कूलर का जो फैन है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।